नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। भारत में सिल्क सिटी के नाम से मशहूर सूरत के लिए तापी नदी इस समय किसी वरदान से कम नहीं है। सूरत में जल विभाग की तापी नदी से अच्छी खासी कमाई हो रही है। सूरत तापी नदी के पानी को शुद्ध करके लगभग 140 करोड़ रुपए कमा रहा है। सूरत नगर निगम के कमिश्नर ने बताया कि सूरत ने तापी नदी के कायाकल्प स्वच्छता कार्यक्रम के लिए कई कदम उठाए हैं। हम प्रतिदिन तापी नदी से 115 मिलियन लीटर पानी स्थानीय उद्योगों को मुहैया करा रहे हैं, जिसके विभाग को 140 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है। Surat city has taken a lot of steps for Tapi Nadi rejuvenation and cleanliness entire program. We are giving this water, almost 115 MLD water, to the local industries. We are one of the leading cities in the country, which is almost generating almost 140 crores of revenue from the recycled water. Surat is also one of the key cities whereby we are taking all the steps to protect our Tapi water so that it can be utilized for drinking purpose. बता दें कि इस समय साफ पानी की मांग बहुत ज्यादा है। तापी के पानी को साफ करके उसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में सप्लाई किया जा रहा है, जिससे जल विभाग की काफी अच्छी इनकम हो रही है। शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का नेटवर्क 99.5% है। अब सूरत नगर निगम इस पुनर्नवीनीकरण पानी को अन्य साधनों जैसे बगानों, फवारों में उपयोग करने की योजना भी बना रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।